इतने कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा अभी तक एक तिहाई काम जितना था 1078 काम में से 1/3 हुआ है, तो अधिकारियों ने क्या समस्या बताई, जो उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है करने में? देखिए अभी अधिकारियों की तरफ से जो दो तरह की दिक्कत, दो तीन दिक्कतें हैं जो उनकी तरफ से कंप्लेंट थी। एक तो एनओसी मिलने में, इनके कई लोगों ने बोला है कि एनओसी मिलने में दिक्कत, एमसीडी से एनओसी लेना है वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। कई जगहों पर इन्होंने जो पहले सर से 2014 में 2013 के काम जो है अवार्डेड हैं, लेकिन अब उसका एस्टिमेटेड कास्ट जो था उसके हिसाब से अब जो रियल कास्ट है वो बढ़ गई है, तो उसको डिपार्टमेंट के साथ वो परसू कर रहे हैं, उसमें फिर काम रुका हुआ है। तो इस तरह की कुछ दिक्कतें इन लोगों ने भी रखी हैं कि जो जिसको अभी अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ फिर इसको टेक ओवर करेंगे हम लोग। स्टाफ में भी कमी है क्योंकि यही जो हमारे हैं उनकी कमी है, जेई जो है वो भी थोड़े से कम है, तो वो स्टाफ वाली तो दिक्कत है। तो अभी ये सारा रिव्यू कर रहे हैं और जो अभी रिपोर्ट मंगा रहे हैं, तो हम लोग इसको लेकर के एक रिक्रूटमेंट वाले भी प्रोसेस शुरू करेंगे, क्योंकि इतना मतलब दिल्ली का जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, अगर आप एमसीडी के बाद छोड़ें तो सबसे ज़्यादा काम इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट कर रहा है, जो रूटीन के काम है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी तो सारा बड़ा काम करता है, तो रूटीन के जो काम है अब आप थोड़ा डीएसआईडीसी को थोड़ा सा काम दिया गया। ये मैंने आपको बताया था अभी, ये जो है इसमें जो बाढ़ रोधी काम होता है, नालों की सफाई, ग्रामीण लिंक सड़कें बनवाना, जौहर का विकास काम, चौपाल पंचायत घर बनवाना, ग्राम सभा की जमीन का ढलाव, पशु अस्पताल डिस्पेंसरी का निर्माण, वन विभाग की भूमि पर चारदीवारी का काम, SC ST से नालों का, सड़क का, पटरी का, बारात घर का, चौपाल घर का निर्माण, UD से चौपाल घर पंचायत घर का निर्माण मरम्मत का काम करते हैं, और उसके अलावा फुल ढलाव, सड़क, बारात घर, नालों का निर्माण, पार्किंग स्थल का निर्माण, ये सारा काम ये करते हैं जी। DSITC को अनऑथराइज कॉलोनियों में काम करने का, पहले अनऑथराइज कॉलोनियों में काम करने का जो काम था वो इरिगेशन फ्लड के पास था, क्योंकि काफ़ी वर्कलोड था, तो अनऑथराइज कॉलोनियों में काम करने का जो अब काम है नया, जो जितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो DSITC को दिए गए, लेकिन जो पेंडिंग काम है, जैसे जो काम ये कर रहे थे उसको अभी इरिगेशन फ्लड ही कम्प्लीट करेगा। मेरे यहाँ तो कम पड़ रहा है, औरों से मैंने ये रिपोर्ट उनसे ली नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो कम पड़ रहा है। कहाँ पे एरिया? किराड़ी में। किराड़ी में नोट कर लो यार, कौन देखता है, नोट कर लो इनके कंप्लेंट। नंबर दे दो। हाँ पूछो पूछो सवाल। 9968592848। नहीं, दो चीज है ये जो अलग अलग तरह के अलग अलग काम है ना, जिस तरह से अब वो पुराना काम उन्होंने किया हुआ है, ठीक है ना, पुराना काम किया हुआ है 12 का 13 का 14 का, और वो काम ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें कुछ किया ही नहीं। अब कई जगह तभी ये स्थिति आ रही कि शायद सारा फ्रेश तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी तो जैसे अभी वो MCD वाला एक पुल देखे हो आप, हाँ, तो अब वो तो दोबारा बनाना पड़ेगा, तो नए सिरे से बनाना पड़ेगा। उसमें से कुछ पेंडिंग वर्क भी हैं, उसमें से कुछ पेंडिंग वर्क भी हैं, और कुछ जो है पिछले उसके जो पास हुए थे, जिस तरह से उसमें पेंडिंग वर्क में जिस तरह से खास MLA फंड का पेंडिंग नहीं होता है, जो रूरल डेवलपमेंट बोर्ड का है या SC ST की कोई चौपाल है, ठीक है ना, जैसे कि अभी एक जगह केस आया है कि 2 मंजिला चौपाल बन चुकी,
ठीक है ना, फिर उन्होंने एस्टिमेट बना दिया तीसरे का। काम क्या किया कि जो पहले पैसा मिला था उससे दो को कंप्लीट नहीं किया, तीसरा भी शुरू कर दिया। तो ना अब आज की तारीख में दो है हमारे पास न तीन है, अब वो काम ओल्ड पड़ा हुआ है, अब फाइल लगी हुई है एससी एसटी में, वो बजट जब आएगा तो ये कंप्लीट करेंगे। एमएलए की यही कंप्लीट है कि दो तो कर देते, तीसरा जो है वो फिर जब मिलता पैसा तो फिर कर लेते, वो तो पब्लिक यूज में नहीं है वो। होगा धीरे धीरे होगा। नहीं नहीं नए काम है पिछले, इसमें इसमें काफ़ी काफ़ी नए हैं। पिछले साल जो है पिछले साल के मैक्सिमम तो पिछले साल के निर्णय लिए हुए, कुछ काम जो है वो पुराने हैं, लेकिन इसमें हाँ मतलब 90% काम तो जो है वो नए वाले हैं, दो साल वाले। देखिए दिल्ली के अंदर लगभग 40% मजदूर वापस घर जा चुका है, और इसलिए हमने बीच में अलग अलग लेबर चौक पे सर्वे भी करवाए थे। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था, दोबारा रिमाइंडर भी उनको भेजा, और न सिर्फ दिल्ली का बल्कि पूरे देश का जो फीडबैक हमारे पास आ रहा है कि लगभग 40% लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और ये स्थिति लगातार बढ़ रही है, और ये गंभीर स्थिति है क्योंकि उनके पास गांव, यहाँ से लोग भाग करके गए हैं, लेकिन गांव में भी खेती की जो स्थिति है वहाँ पर भी उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। सर से यहाँ से लोग काम जब बंद हुआ तो लोग गए, 15% तो वो लोग थे जो छठ में गए थे, वापस ही नहीं आए, और जो करीब मतलब उसके बाद 25% लोग यहाँ से फिर धीरे 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 करके जा रहे हैं, क्योंकि पहले इन लोगों ने पैसे दिए थे, कुछ फैक्ट्रियों में लोगों ने एडवांस पेमेंट कर दिया, लेकिन वो एडवांस पेमेंट करके भी पैसा तो उनके पास एडवांस पेमेंट का है, बट आज उनके पास भी दिक्कत हो रही है, तो लेबर के ऊपर तो बड़ी मार है। नहीं जो योजनाएं हैं उनको रोजाना का खाने का पैसा तो नहीं दे सकती ना, जो योजनाएं हैं वेलफेयर की योजनाएं हैं, वो योजना उनके बच्चे की जो पढ़ रहा है स्कूल में पढ़ रहा है उसकी फीस वजीफा देती है, वो तो योजना उनके लिए काम होगा, लेकिन आज टिकने के लिए पैसा तो चाहिए। वो वेलफेयर जो स्कीम है उसके तहत उनको आज की जो रोजी रोटी चलाने के लिए, आज जो जॉबलेस हुए हैं उसके लिए सस्टेन करने के लिए वो स्कीम पैसा नहीं देती है। देखिए मेरा ये सोचना है कि अकाउंट भी खुल सकते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, होने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब वो करने का मकसद हो तब तो, नोटबंदी का मकसद ये करने का नहीं है। नोटबंदी का मकसद है कि इस देश के अंदर जितने दो नंबर की करेंसी थी एक नंबर की हो गई, करोड़ों करोड़ों रुपया रात में बैंक से बदल दिए गए। अब आरबीआई के सामने संकट है कि जितना पैसा असली था उससे ज़्यादा नकली पैसा आ करके बैंक फुल हो रहे हैं, और सारा दो नंबर से पैसा आया। जितने आतंकवादियों का पैसा है सब सफ़ेद हो गया, काला धन तो दूर छोड़ो, जितने फर्जी नोट थे सब बैंक में गए, सब सफ़ेद हो गए, आतंकवादियों ने सफ़ेद कर लिया, चोरों ने सफ़ेद कर लिया, बेईमानों ने सफ़ेद कर लिया, जितने लुटेरे थे उन्होंने सफ़ेद कर लिया, जितने दलाल थे सबने सफ़ेद कर लिया, बैंक भर गया नोट से, और अब वो काला धन नहीं है। अब तक तो काला धन था, अब वो काला धन नहीं है। देखिए परेशान तो हैं लोग और गंभीर स्थिति है, खास तौर से मजदूर तबका बहुत बुरी स्थिति में है, मतलब वो कहते हैं ना कि आज वो ना अपने गांव में रहने की स्थिति में है ना तो शहर में रहने की स्थिति में है। तो उस पर हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, इस पर निश्चित रूप से संवेदनशीलता के साथ सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि जैसे 15 लाख आए थे खाते में वैसे कुछ आने वाले हैं, लेकिन वो ख्वाब से तो जी नहीं सकते, उनके पास स्थिति ऐसी नहीं है, उनके पास खेत भी नहीं है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट कोई निर्णय ले नहीं सकती है।
क्योंकि एक फंड जिस तरह से अभी इन्होंने कहा ना कंस्ट्रक्शन बोर्ड के पास फंड है, लेकिन पिछले दिनों हमने जब उससे अतिरिक्त तो कोई पॉलिसी बनाने की कोशिश की थी तो उसको रोक दिया गया था। तो मतलब वही फंड है सरकार के पास, उसमें उसमें से हम कोई एक प्रोविजन बना सकते हैं, बट वो पास होगा इसकी तो उम्मीद नहीं है। ओके, थैंक यू।